हेलो एवरीवन, मैं सुजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई जीरो 3 का लेसन 6 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन के बारे में। चीन के अंदर में इतिहास लेखन की विधि किस प्रकार की थी, किस तरीके से इतिहास लिखा जाता था, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट वन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आज की इस वीडियो के अंदर में हम पार्ट टू के बारे में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट वन की वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको पार्ट वन का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली आपको करना क्या है, MHI03 के प्लेलिस्ट के लिंक पे जाना है और वहां से आप जाकर पार्ट वन की वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट टू को कवर करते हैं। पार्ट टू के अंदर हम बात करेंगे चीन के पारंपरिक इतिहास लेखन की विधि के बारे में। चीन के अंदर में इतिहास किस तरीके से लिखा जाता था, विधि किस प्रकार की थी इतिहास लेखन की, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इतिहास लेखन का जो एक विशेष गुण होता है कि किस तरीके से इतिहास लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लिख दिया, कोई भी स्टोरी लिख दिया, निबंध लिख दिया, ऐसा नहीं होता। एक इतिहास लिखने की प्रॉपर एक विधि होती है, ठीक है, प्रॉपर गुण होता है कि इस तरीके से लिखना है, एक सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण होता है वस्तु परकता, ठीक है, और सत्यता के ऊपर में बात करना। जो चीज जिस तरीके से घटी है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसको यहाँ पे बताना, तभी हिस्ट्री बनता है, तभी उसको हम इतिहास लेखन कहते हैं। और घटा कुछ और है, आप बताओ कुछ और रहे हो, ठीक है, तो वहां पे झूठ बोल दोगे तो झूठ तो चलेगा ही ना। वहां पे हिस्ट्री मतलब क्या, जो आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो उसको वस्तु परकता के साथ साथ में सत्य बताना, सही बताना, ठीक है, ट्रुथ बताना, वो मेन चीज रहता है। और ये विशेष गुण देखा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि तथ्यों को प्रमाणित करना, और उप तथ्य को प्रमाणित के ऊपर में विशेष जोर दिया गया है, मतलब किस तरीके जो भी फैक्ट यूज किया है ना आपने, कि ये वाला इंसिडेंट इस तरीके से घटा, इस वाले इंसिडेंट के पीछे ये कारण था, तो जो भी आप फैक्ट यूज कर रहे हो ना वो पूरी तरह से प्रूव हो, प्रमाणिक हो, इसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाती है। औपचारिकता और दृढ़ शैली को छोड़कर यहाँ पे जीवंत रूपी तथ्यों को प्रस्तुत करने के ऊपर में बात की गई है। औपचारिकता मतलब क्या होता है, फॉर्मेलिटी निभाना कि आपने इतिहास लिखा, दृढ़ शैली जो पहले से चलता आ रहा है ना उसको वहां पे फॉलो अप करना, एक इस तरह की चीजों को छोड़कर, उसको पीछे छोड़कर आपको क्या करना है, जीवंत रूप इतिहास को प्रस्तुत करना है, जीवंत रूप तथ्य को प्रस्तुत करना है जो इतिहास को जीवित करते, ठीक है। जैसे आप कोई भी इंसिडेंट पढ़ो, कोई भी इंसिडेंट के बारे में सुनो और उसको उस हिसाब से प्रेजेंट किया कि जब कोई तीसरा बंदा पढ़ता है, तीसरा बंदा सुनता है, तो उसको लगे कि हाँ इस तरीके से ही हुआ होगा, उस पूरे इवेंट को, पूरे ये जो इंसिडेंट था उसको जीवित कर देना, उसके जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हो ना, जो फैक्ट आप बता रहे हो कि ये रीजन था, इस तरीके से था, जो लॉजिक बता रहे हो वो एक्चुअल हो, एक सत्य हो, इसके ऊपर आधारित हो और तथ्य बेस हो, उसको यहाँ पे हम इतिहास लेखन के अंदर में यूज किया गया, चीनी इतिहास लेखन के अंदर में। साथ साथ में यहाँ पे बात की जाती है कि उसके पश्चात चीन के जो अनेक इतिहासकार थे इसका अनुसरण करते हैं। जो मैंने ये विधि बताई ना कि वस्तु परकता और सत्यता की बात करनी की जानी चाहिए, तथ्यों की प्रमाणिकता की बात की जानी चाहिए, औपचारिकता और दृढ़ शैली को छोड़कर जीवंत रूप तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इन जो पॉइंट्स है ना इनको फॉलो किया जाता है चीनी इतिहासकारों के द्वारा, इसका अनुसरण करके ही वो चीनी इतिहास को लिखते हैं। अब किस तरह से चीन के जो इतिहासकार थे वान गू करके, उन्होंने उनके विषय में लिखते हैं कि जो प्रवचन है, प्रवचन क्या होता है, बहुत बड़ा भाषण वाषण दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, सब डांबर, ठीक है, मतलब एकदम बस फेंक रहे हो बड़े बड़े, ठीक है, सहज होकर करते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लिख दिया, अंडसंट जो मर्जी लिख दिया, ऐसा नहीं है, एक सहज तरीके से संभल कर सही शब्दों का चयन करके, संभल कर शब्दों का मतलब ये नहीं नपातुला एकदम प्रॉपर तरीके से यूज करके वर्ड्स का, उसको लिखना, प्रवचन नहीं देना है वहां पे, कोई भाषण नहीं बनना, नेता नहीं बनना आपको, ठीक है, सब डांबर में नहीं फंसना कि एकदम शब्दों का एकदम जाल बिखेर दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो वहां पे सहज होकर इतिहास लेखन का कार्य करते हैं, इसके बारे में समझ में आता है। वानगू इतिहासकार जो चीन के थे, उनका ये मानना था, ठीक है, साथ साथ में कहते कि उनका जो लेखन था ना अत्यधिक स्पष्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर लिखते थे, जो चीज उन्हें बताना है जिस तरीके से बताना है क्लियर पॉइंट्स में उसको करो। अगर आप गोलमोल घुमा के बात करोगे यहाँ पे, यार क्या लड़की को सेट होने जा करने जा रहे हो कि आपको बोलना कुछ है और पूरा एकदम गोल गोल घुमा के बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो क्लियर पॉइंट है ना कि इस तरीके से ये चीज हुआ उसको उसी तरीके से स्पष्ट करना, ये वानगू का मानना था। उनके लेखन के अंदर में जो तथ्य होते थे ना, जो फैक्ट होते थे, किस तरीके से क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, जो लॉजिक है वो बोलते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनके फैक्ट उनकी जगह पे वहां पे अपीयरेंस कर रहे हैं कि हाँ ये चीज इस तरीके से हुआ, ये जो इवेंट हुआ, जो ये इंसिडेंट हुआ वो इस तरीके से घटा, उनके तथ्यों के द्वारा बोला जाता था। वह ना तो सौंदर्य को झुटाते थे और ना ही बुराई को छिपाते थे। जो चीज हुआ, अगर कुछ अच्छा है तो उसको अच्छा दिखाना, कोई बुरा है तो उसको बुरा दिखाना, एज इट इज प्रेजेंट करना, यही सत्यता कहलाता है। हिस्ट्री के अंदर में इसी की डिमांड होती है और इसी को इतिहास लेखन आगे लेकर चलता है। तो यहाँ पे वानगू का ये मानना था। यहाँ पे अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर में कई सारे राइटर आए, कई सारे, आपको मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा किसी का,
ठीक है, यहाँ पे लेडी राइटर्स भी बहुत सारे हैं और मेल फीमेल बहुत सारे राइटर्स आए और भारत के अंदर में अच्छे अच्छे पद पे भी कार्य किया, अच्छा मान सम्मान भी मिला, पर कहीं ना कहीं उनके इतिहास लेखन के अंदर में एक तरफ एक वर्ग की तरफ झुकाव देखने के लिए मिल जाता है, एक हिस्ट्री की ओर ज्यादा उनका दबाव रहा, ठीक है, बाकी चीजों को उन्होंने झुठलाने की कोशिश करी, उनको मानने से इनकार करने की कोशिश करी, ऐसा आपको फील होगा अगर आप आगे इन फ्यूचर पढ़ोगे उनके बारे में स्टडी करोगे तो। यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आगे बढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने एक सच्चा दस्तावेज जो मतलब जो भी उन्होंने लिखा ना, हिस्ट्री एक है क्या, हिस्ट्री लिखना ये नहीं कि आपने जो मर्जी लिख दिया, हिस्ट्री मतलब लिखना एक सच्चा दस्तावेज तैयार करना, ठीक है, प्रॉपर एक्चुअल चीज तैयार करना कि क्या है कैसा है, एक सच्चा दस्तावेज कहा जा सकता है, ये माना था वानगू का। दोस्तों यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आगे बढ़ाते बढ़ाते साथ में, कि अगर अभी तक आपने हमारे द इनर परिवार से नहीं जुड़े हैं, आप हमारे द इनर परिवार को फॉलो नहीं करते हैं, लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो हमारे द इनर परिवार को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो द इनर का परिवार है अभी 60,000 का हो चुका है और हम इसको बड़ा करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने द इनर परिवार में शामिल करना चाहते हैं। हमारा एम है कि दिसंबर तक हम जो दिसंबर का एग्जाम है ना उस समय तक एटलीस्ट हम 1,00,000 के परिवार को बना सके, तो आप सबके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। तो जो भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, ठीक है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों तक भी ये मैसेज पहुंचाएं जिससे वो भी हमें जुड़ सके इस मुहिम में और हमारे साथ जुड़ सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो एमए हिस्ट्री का पूरा कोर्स है ना उसको हम सही तरीके से अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाएं, इसके नोट्स प्रोवाइड करें, नोट्स आपको गूगल ब्लॉगर पे डायरेक्टली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक है, वहां से जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एमए हिस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ रहे हो ना तो पूरे यूट्यूब पर ना, जो यूट्यूब इतना बड़ा कम्युनिटी मतलब पूरा बनता है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टडी से लेकर हर चीज़ का वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे इग्नू एमए हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कम सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मौजूद है, और इस तरह के कंटेंट अवेलेबल है जहाँ पे आप लेसन वाइज स्टडी कर रहे हो, बाकी चीज़ें स्टडी कर रहे हो, टाइम से आपको अपडेट मिल रहा है, बहुत कम एमए हिस्ट्री से रिलेटेड है। इवन मैं खुद एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ें फेस करी है, और अगर बाहर जाते हो कहीं पढ़ने के लिए इग्नू के लिए तो आपकी फैमिली उतनी अगर कैपेबल है फीस पे करने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, मेरी फैमिली कैपेबल नहीं थी जिससे मैं पे कर सकूँ, ठीक है, तो आपको बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना है, और आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से ना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से मेहनत कर सकें। उतना अर्निंग नहीं है यूट्यूब से कि वो पूरा मतलब घर मकान वो चल रहा है, बट एक पैशन है जिसके कारण से यहाँ पर हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम अच्छे से और अच्छे से मेहनत कर सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो हिस्ट्री में जिस तरह से जो भी प्रेजेंट किया जाता है ना, जो भी इवेंट हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसको एज इट इज दिखाना, मतलब एक सच्चा दस्तावेज तैयार करना, जिस तरीके से घटा उसको उसी तरह से तैयार किया गया, एक सच्चा दस्तावेज के तौर पर कहा जाता है, ठीक है। समय चीन के बाद ना, चीन के जो इतिहासकार थे उसमें बहुत अधिक प्रभावित हुए, किस तरीके से लिखा जाना है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाना है, उसको लेकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, साथ ही साथ वे तथ्य को जितना हो सके उतना वस्तुगत तरीके से प्रस्तुत करते थे, मतलब जिस तरीके से जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है उसको उसी तरीके से दिखाना, इसका यहाँ पे ट्राई किया गया। तथ्यों के अंदर में सत्यता की जांच होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, जो भी आप फैक्ट बता रहे हो ना, ऐसा ना हो कि कुछ भी अनसेंट लिख दिया, तो उसके अंदर में सत्य होना चाहिए, त्रुथ होना चाहिए, इसके ऊपर में बात की गई। इस बात को ध्यान में रखकर वो लेखन कार्य करते थे कि अगर सत्या नहीं है तो सत्य मतलब उसमें त्रुथ नहीं है, जो भी फैक्ट आप यूज कर रहे हो उसके अंदर में त्रुथ नहीं है, तो उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया। इतिहासकार के विषय में अगर आप बोलोगे तो अपने शब्दों में लिखने की बजाय सामग्री के अंशों को जैसे के तैसे उतार लेते थे, ऐसा नहीं होता था। अगर मान लो जैसे हम पेपर देने जाते हैं, हमें बोला गया कि भैया हर एक क्वेश्चन आपको 500 वर्ड के अंदर में लिखना है, तो 500 वर्ड में लिखना है, तो अगर 500 वर्ड नहीं मिल रहा तो ये थोड़ा ना कि अपना अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर दिया, जो जिस तरह से है एज इट इज उतना बताना होता है, ये नहीं कि अपनी लैंग्वेज में जो मर्जी अंडरस्टैंड शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इतिहास लेखन के अंदर में ये भी देखा जाता है कि अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, वो अपने शब्दों में लिखने के बजाय जिस तरह से जो इवेंट घटा है उसको उसी तरीके से बताना, अपने शब्दों में लिखने के बजाय मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, जो जितना है उसको उतना ही दिखाना, ठीक है, ये नहीं आइसबर्ग की तरह दिखा दो ऊपर कुछ और नीचे बहुत कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो जितना है एक्चुअल है उसको उतना ही दिखाना। चीन के इतिहास में साहित्यिक चोरी के नाम देकर, यहाँ पे साहित्यिक चोरी का मतलब क्या होता है, किसी का चोरी कर लेना, एज इट इज उतार लेना मतलब चोरी कर लेना, जैसे है ना जैसे का तैसे उतार लेना, एज इट इज चोरी करने का मतलब, तो साहित्यिक चोरी का नाम देकर ऐतिहासिक पुनर्निर्माण सबसे सरल तरीका से कहा जाता है। देखो इतिहास का पुनर्निर्माण मतलब क्या होता है, कुछ लोगों ने इतिहास के पुनर्निर्माण को साहित्यिक चोरी भी बोला,
साहित्यिक चोरी मतलब क्या कि आपका जिस तरीके से लिखा हुआ था एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, जेरोक्स कर दिया, ये मतलब साहित्यिक चोरी हुआ। पर यहाँ पे कुछ विचारकों का ये मानना था ये ऐतिहासिक पुनर्निर्माण किया जा रहा है, मतलब दोबारा से रिक्रिएट किया जा रहा है कि किस तरीके से वो इवेंट हुआ था, किस तरह से चीजें हुई थी, उसको देख कर जिस तरह से हो रखा था उसको एज इट इज उतारा गया। तो मतलब क्या पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण का सरल तरीका ये माना जाता है। ठीक है, समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ कि चीन के जो इतिहास लेखन में अधिकारियों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकारी क्या, जो भी अधिकारी वर्ग था चीन के अंदर में जो वर्क कार्य करते थे अधिकारी वर्ग, उनका योगदान महत्वपूर्ण इतिहास लेखन के अंदर में माना गया। चीन में आरंभ से ही जो देखोगे तो व्यक्तिगत रूप से इतिहासकार लेखन कार्य करते थे, ठीक है, परंतु उनको कभी भी राजकीय लेखन की चुनौती नहीं दी गई। राजकीय लेखन मतलब क्या है कि राजाओं के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाना कि आपको इस तरीके से इतिहास लेखन करना है, इस तरह से चुनौती नहीं दी गई। इतिहास लेखन का जो कार्य थे इस समय सबसे अधिक सरकारी दस्तावेजों से लेकर हुआ, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उसके अंदर में सबसे ज्यादा उपयोग यहाँ पे इतिहास लेखन के अंदर में किया गया। उन्होंने ये दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराया जाता था, जो भी जैसे किसी इतिहासकार को इतिहास लिखना है तो गवर्नमेंट दस्तावेज के आधार पर जो सरकारी दस्तावेज होते थे उसके आधार पर यहाँ पे इतिहास लेखन का कार्य किया जाता था कि किस समय पे क्या क्या चीज हुआ, किस तरीके से हुआ, उसका उपयोग करके यहाँ पे इतिहास लेखन का कार्य किया जाने लगा। आगे मैं बात करूं तो चीन के इतिहास लेखन में अतीत के माध्यम से वर्तमान के शासकों का मार्गदर्शन करना, यहाँ पे अब देखो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इतिहास लेखन किस किस तरीके से चलता है, क्या क्या चीजें की जाती है, किस तरीके से किया जाता है, अब यहाँ पे ना बताया जा रहा है कि इतिहास लेखन के अंदर में हम क्या करते हैं, अतीत को दिखाते हैं, अपने पास्ट को दिखाते हैं कि पास्ट में ये इवेंट हुआ, इस तरीके से घटा, तो अब उसको इम्पैक्ट क्या है और जरूरी क्या है और उससे हमें लर्निंग क्या मिलती है वो समझते हैं। चीन के जो इतिहास लेखन है ना उसके अंदर में हम अतीत के माध्यम से वर्तमान के शासकों का मार्गदर्शन करते हैं। आपने अगर कोई हिस्ट्री लिखा कि इस तरीके से इस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इस गलती के कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, आपने लिखा, या चीन का युद्ध इस कारण से हुआ, पाकिस्तान का युद्ध इस कारण से हुआ, आपने वो गलती वहां पे पॉइंट आउट किया हिस्ट्री के अंदर में, इतिहास लेखन के अंदर में। अगर प्रेजेंट के अंदर में कोई शासक उसको पढ़ रहा है, कोई लीडर उसको पढ़ रहा है, तो वो इस चीज से सचेत हो सकता है कि मुझे ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है जिसके कारण से युद्ध हुआ था। उसका ये मार्गदर्शन कर रहा है, एक तरह से उसको गाइड करेगा, जो वो हिस्ट्री है ना वो गाइड करेगा कि इस तरीके से चीजें नहीं करना है। तो यहाँ पे ये कार्य भी इतिहास लेखन करता है, तीन इतिहास लेखकों का ये मानना था। वर्तमान समय में जो शासक थे, जो भी कोई मतलब मान लो वर्तमान का कोई शासक है उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न हो गई कि ये चीज इस तरह का है, तो अतीत के पन्नों को खोलकर देखा जा सकता है कि किस तरीके से क्या पीछे अगर पास्ट में हुआ था तो किस तरीके से सॉल्व आउट किया गया। ऐसा करने से पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज थे उस समय अगर ये समस्या आई हुई थी तो वो उन्होंने किस तरीके से समाधान किया उसका, इसके बारे में उन्हें पता चल सकता है। अगर मान लो आज के समय में कोई बीमारी, कोई युद्ध हुआ, ठीक है, पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है आज के समय में, ठीक है, तो हमें ये पता रहेगा कि यार पीछे में जो लीडरशिप थी भारत की उसने किस तरीके से डील किया था पाकिस्तान के साथ में, किस तरीके से हराया था, क्या स्ट्रेटेजी थी, तो उसके आधार पर हम उसको लेकर अपना कर चल सकते हैं, उसको थोड़ा चेंजेस करके उसके आगे हम लेके बढ़ सकते हैं, मतलब एक आइडिया मिल जाएगा हमें कि पहले इस तरीके से हुआ था, इस तरीके से अब कर सकते हैं, तो ये चीजें बेटर रहेगा। चीन के जो इतिहास लेखन है उसके अनुसार में अतीत में हुए विद्वान जो दार्शनिक विद्वान थे, जो दार्शनिक थे, गौरवशाली जो शासक थे, कट्टरनिष्ठ अधिकारी जो थे, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है, मतलब उनसे बहुत कुछ क्या, उनका विचार किस तरह का, आइडियोलॉजी किस प्रकार की है, ठीक है, स्ट्रेटेजी किस प्रकार की थी, किस तरह से वो लड़ते थे, रूल रेगुलेशन का तरीका क्या था, इन सभी के आधार पर आप एक अच्छा शासक के तौर पर वर्क कर सकते हो, एक अच्छी मतलब गाइडेंस आपको मिल सकती है, तो ये चीजें यहाँ पे बोली जाती है। आरंभ में जो चीन के इतिहास लेखन था उसमें लेखन कार्य जो था बड़ा जटिल माना जाता था। आरंभ के अगर देखोगे इतिहास लेखन चीन का तो उसको जटिल माना जाता था। इसका कारण यह था कि इतिहासकारों ने ग्रंथों और खंडों को उपखंडों के में एक से नाम दिए थे, जैसे जो भी ग्रंथ थे उपखंड थे, ठीक है, और उपखंड थे, खंड थे, ग्रंथ थे, उनके जो नाम थे ना बहुत सिमिलर थे, जिसके कारण से कन्फ्यूजन होता था कि किसको पढ़ा किसको नहीं पढ़ा, तो उसके कारण से यहाँ पे एक जटिल प्रॉब्लम यहाँ पे देखा जाता था। साथ ही साथ इसमें देखोगे तो इसी के विषय में अध्ययन की कठिनाइयां होती है कि अगर इसको पढ़ रहे हो तो उसके अंदर में कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ती है। परिवर्तित इतिहासकार के समय में समस्या का समाधान किया गया, किस तरीके से क्या सॉल्यूशन है उसको निकालने की कोशिश की गई। आज अगर कोई व्यक्ति चीन के जो किसी विषय को अध्ययन करना चाहे, किसी संस्था के बारे में हो या किसी अधिकारी या किसी शासक के विषय में हो, तो आसानी से ढूंढ सकता है कि क्या चीज किस तरीके से चला, उसको आसानी से उसके बारे में पता
चल सकता है। समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या, कि अगर मान लो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो खंड उपखंड और ये जो चीजें थी ना वो ग्रंथ, उनमें से नाम सुंदर होने के कारण से जो इतिहासकार होते थे उनको पढ़ने में दिक्कत होता था, याद रखने में दिक्कत होता था, थोड़ा सा उसको चेंजेस किया गया। पर आज इतना सरल हो चुका है, इतना टेक्नोलॉजी है या जो भी चीज़ है इतनी इजी मात्रा में उपलब्ध है कि उसको किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आसानी से आपको मिल सकता है, आसानी से आप उसको खोज सकते हो। तो ये चीज़ें उपलब्धता यहाँ पे हमें दिखाती है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एंड होता है, और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर में बनकर आते हैं। पार्ट वन का मैंने अलग से ये जो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने पार्ट वन के अंदर में कवर करवाया, और जो अभी वाला वीडियो उसको हमने पार्ट टू के अंदर में कवर किया, जीनी इतिहास लेखन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बनकर आता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, धीरे धीरे मैं करके और भी जो चैप्टर्स आपके करवाता चला जाऊंगा। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा आप सभी व्यूअर्स से कि अगर अभी तक आपने हमारे द इनब और नब इन्फो चैनल दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक सब्सक्राइब करने से, एक एक लाइक शेयर सब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से मेहनत कर सकें, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें और अच्छे से हम वीडियो बना सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको एमए हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो डायरेक्टली आप गूगल ब्लॉगर या कोवेरा से ले सकते हैं। गूगल ब्लॉगर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एमए हिस्ट्री के नोट्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।